अच्छा, और आप घुड़सवारी के भी शौकीन? जी हाँ, हॉर्स राइडिंग का भी शौक है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये आपको कैसे हुआ, ये बचपन से ही था? बस इसको जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक है, डॉग्स का बहुत शौक है। ये पैरेट है हमारे घर में तकरीबन कोई 20 साल से है। अच्छा। और जैनब को और मिसेस को जो है वो कैट्स का भी शौक है। कैट्स भी हैं। आप लोग की लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज थी। तो आप लोग रिश्तेदार थे? नहीं, मैं तो हमारी फैमिली एक दूसरे को नहीं जानते थे। अच्छा। तो मामा को किसी ने बताया था, फिर वो गई। अच्छा। तो बस उसी दिन ही उन्होंने एकदम ही जाना। अच्छा। वो कहा कि बस मुझे तो लड़की पसंद आ गई है। अच्छा। तो ना मैंने देखा था ना इन्होंने मुझे देखा था, तो बस फिर वो मामा ने बात तय कर दी। अच्छा। भाभी आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत है? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है आपने। मैंने कहा वैसे पूछ लो। कभी आप, क्योंकि देखें आपको माशाल्लाह हर चीज़ का शौक है, मैं बताऊं सूरी साहब को जो है हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है, हाइकिंग का शौक है, हैवी बाइक्स का शौक है, म्यूजिक का शौक है, शिकार का शौक है, मैं सही कह रही हूँ? जी हाँ जी, है ना। इतना ट्रेडिशनल किस्म का बड़ा एंटीक एक हमारे पास ये मौजूद है, ये आपको ही शौक है ना इसका? तो क्या जी हाँ, इसका पुरानी चीज़ों का भी शौक है। हाँ। और म्यूजिक का तो मैंने आपको बताया शौक है। हाँ। तो उस हवाले से रखा हुआ रिकॉर्ड प्लेयर है पुराना ये, और बड़ा जबरदस्त है ये जी, हमने इसको यूज करके देखा। हाथ से जो है वो चाबी देते हैं इसको। अच्छा, ये चीजें बड़ी एंटीक होती हैं। जी हाँ। ये हर किसी और शौकीन जो लोग होते हैं उनके पास होती हैं। बिल्कुल। तो ये बताएं कि और क्या क्या शौक है आपको? मुझे तो स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक था एक दौर में। आजकल तो आपको पता है कि जदोजहद में लगे हुए हैं। सही बात है। कि अपने मुल्क को किसी तरह जो है वो सही करें और हकीकी आज़ादी की तरफ आजकल तो आपको पता है उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। सही है। और उससे पहले अगर जब पहले टाइम मिलता था तो एक दौर में तो बाइक्स का बहुत शौक था। अच्छा। जब कॉलेज लाइफ थी, और वो अभी भी मैंने रखी हुई है बाइक। चलाते हैं अभी बाइक्स? जी हाँ, जब क्वेटा जाऊँ अपने घर में वहाँ पे जो है वो चलाते हैं। जी हाँ। बच्चे भी चलाते हैं? जी, बच्चे चलाते हैं अभी बाइक? बच्चे तो नहीं, इसको इतना शौक नहीं है। अच्छा, और आप घुड़सवारी के भी शौकीन हैं? जी हाँ, हॉर्स राइडिंग का भी शौक है बहुत ज्यादा। तो ये आपको कैसे हुआ, ये बचपन से ही था? बस इस जानवरों का बहुत ज्यादा शौक है, डॉग्स का बहुत शौक है। ये पैरेट है हमारे घर में तकरीबन कोई 20 साल से है। अच्छा। और जैनब को और मिसेस को जो है वो कैट्स का भी शौक है। कैट्स भी हैं? जी हाँ जी हाँ। अबू रहरा को भी बर्ड्स का शौक है। अच्छा। इससे भी बड़ी मुर्गियाँ पाली हैं, कबूतर पाले हैं, चीजें ना इस तरह की। अच्छा। जी हाँ जी, क्योंकि देखें मैं चाहूंगी आप जरा रहरा को दें माइक, क्योंकि देखें ये जो ईद होती है ये जानवरों की ईद है, जाहिर है लड़कों, कहते हैं लड़कों की ईद है। लड़के ना हमें मंडी में मिलते हैं पूरा दिन, और चांद रात तक वहीं होते हैं, फिर ईद के पहले दिन भी वहीं होते हैं। आप मंडी जाते हैं? सही से बताइएगा। जी, मैं अपने वालिद के साथ जाता हूँ मंडी। हाँ। और वहाँ पे हम लोग बकरे लेते हैं। अच्छा। और बैल भी लेते हैं। अच्छा। तो फिर हम लोग घर ले आते हैं। किस चीज की कुर्बानी होती है? हम लोग घर बकरे की भी होती है, बकरे होते हैं, बैल होती है, कभी कभी ऊंट भी होता है। ऊंट भी होता है? जी जी। अच्छा, वैसे आपको किस चीज का ज्यादा शौक है, दुम्बे का या बैल का या बकरे का या सारा गोश्त? सारे ले आते, दुम्बा भी अच्छा मिले तो दुम्बा भी ले आते हैं, बकरा हाँ। भी और बैल भी करते हैं। अच्छा। इससे क्या, तीन भाई हैं हम लोग, इकट्ठे अच्छा, रहते हैं तो उसमें फिर हम इकट्ठा ले आते हैं, जो है वो, जी हाँ, कुर्बानी के जानवर, और अपने हाथ से ज़िबा करते हैं। हाँ। तो आपको अच्छा, पता है सुन्नत इब्राहिमी है, सुन्नत इब्राहिमी, और एक बहुत बड़ा मुसलमानों का हमारा जो है वो ये एक त्यौहार है, और एक कुर्बानी का दर्स देता है कि पूरी मुसलमान उम्मा में हज पे होते हैं लोग, वहाँ पे भी कुर्बान करते हैं। बिल्कुल। तो इस्लाम में तो है कि आपने जो है वो कुर्बान करना है। हाँ। और बकायदा तीन हिस्से करने हैं, गुरबा के लिए अलग है, अजीज हैं आपके उनके लिए अलग है, और खुद भी, खुद की भी रखना। तो ये जो है इस्लाम में है कि आपने गोश्त खाना है, प्रोटीन खाना है, गरीबों को भी देना है। बड़ा खूबसूरत पैगाम है, बहुत खूबसूरत पैगाम है। इसकी अगर हम रूह को समझें तो ये जो ईद उल अज़हा है इसमें बड़ा खूबसूरत पैगाम छुपा हुआ है। देखिए ना, मुसलमानों का तो ये है कि आपने वो वाली खुराक खानी है। हाँ। जो आपको असाबी तौर पे भी मजबूत करती है, जिस्मानी तौर पर भी ब्रेव भी करती है। बिल्कुल। तो बहुत सी इस तरह के लोग हैं जो कहते नहीं गोश्त नहीं खाना जी। हाँ, आजकल बड़ा, तो ये आप देखिए ना, अल्लाह ताला तो फिर कह देता गंदम दे दो, हज में अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसका दम भी कहते हैं नहीं, बकरा ज़िबा करो, दुम्बा ज़िबा करो। बिल्कुल। तो उसके बाद उसको आपने खाना होता है, खाना भी होता है। तो गोश्त जो है वो तो इस्लाम में है कि आपने खाना है, मुसलमान की हैसियत से ये आपको तकवा भी देता है, ताकत भी देता है। बिल्कुल। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुझे तो बहुत शौक है गोश्त खाने का, और सब बच्चे भी माशाल्लाह सारे खाते हैं। मजे की डिश होती है आप लोग की, रोश? जी हाँ, रोश होता है, रोश होता है, खाते हैं आप?
जी मैं भी खाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। हैं? जी जी। अच्छा आप वैसे लग नहीं रहा मुझे खाने पीने के शौक। नहीं मैं हूँ। हैं आप? जी जी। अच्छा क्या क्या खाते हैं शौक से? मैं रोश भी खाता हूँ और काबली पुलाव, बस जो भी। बहुत मजे का होता है काबली पुलाव। और कभी आपने कराची की बिरयानी खाई है? जी मैंने खाई है। हाँ कैसी लगी आपको? स्पाइसी होती है ज्यादा? जी स्पाइसी होती है, बस मजे की होती है, मजे की होती है, चटपटी होती है। जी जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।